वो MCQs जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा में किसका EM रेशो सबसे ज़्यादा है, तो भाई देखो इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 × 10^11 कूलम पर के जी, ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19 और जो मास है 1.67। अगर फर्ज करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं तो 10^8 कूलम पर के जी, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 × 10^7, ऑफकोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी, जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं। अब आ जाओ अल्फा की। अल्फा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो अल्फा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 times होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो, किसको, प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10^8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10^7 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 × 10^7। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फा की होती है ईएम वो ये वाली होती है 4.82 × 10^7। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा ईएम रेशो किसका होता है बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉन का, फिर उसके बाद किसका होता है, प्रोटॉन का, और फिर अल्फा का, न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है, ज़ीरो होता है। एक चीज़ और बताओ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फा का ईएम रेशो तो 2:1 हो जाएगा, अभी तो देखा है यार प्रोटॉन का क्या होगा, डबल होगा अल्फा से, ठीक है, तो अल्फा से क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। एक्यूरेट से देखो और अप्रोक्सीमेट से देखो दोनों सूरत में, तो प्रोटॉन और अल्फा का ईएम रेशो अगर पूछें तो 2:1, और इस एमसीक्यू का आंसर क्या था, इलेक्ट्रॉन। हाँ अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा, ऑफकोर्स न्यूट्रॉन का, ज़ीरो, क्यों माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है।